अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 19। टुडे वी स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम एक्सरसाइज 1.11। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व दी फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 15 प्लस 3 माइनस 12। तो हम अपने क्वेश्चन को इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम पहले 15 में 3 ऐड करेंगे। आपने इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना कि 3 में से 2 माइनस यानी कि 12 माइनस किया जाए, वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, यानी कि 15 में 3 ऐड करना है। 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस 12 एज इट इज़ आपका ऐसे ही नीचे आ जाएगा इस स्टेप में। फिर आप इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी आपने इक्वल का साइन पहले लगाना है, फिर करना सॉल्व स्टार्ट करना है। यहाँ पर फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, 18 में से 12 माइनस किए 6 आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 63 माइनस 13 प्लस 40। तो आपको पता है हम इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपकी हैंड की लेफ्ट हैंड साइड से। ये देखें, ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 63 में से 13 माइनस करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 63 में से 13 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, प्लस 40 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे हम। फिर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 40 में 50 में हम 40 ऐड कर लेंगे या 40 में 50 ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। आपने ये याद रखते हैं, हमेशा माइनस करते हुए जो बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू नीचे रखते हैं, लेकिन प्लस करते हुए आप कोई भी बड़ी वैल्यू भी ऊपर रख सकते हैं और छोटी भी आप ऊपर रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम 50 में 40 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 90 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें, अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।